Hi guys, welcome back to Class of Flavin. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the jumble words or jumble sentences. Those are big problem for the students for class. So you know the classes. अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि पढ़ना क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को नोट करना है. आपने कहा सर जंबल वर्ड्स जंबल सेंटेंसेस को करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू ऑल दिस. द फर्स्ट थिंग, जंबल वर्ड्स जंबल सेंटेंस किए जाते हैं तो मेरा मानना ये है कि पहले आप इनको क्या करो, कन्वर्ट करो इन अ मीनिंग जो हमें आते हैं. आई रिपीट माई वर्ड्स कि हमने क्या करना है, हमने उसको पढ़ना. फर्स्ट वी नीड रीड. हैड माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद. These are the easiest one, जो शायद मैंने आज तक डिस्कस किए हैं. ये easiest one, जिसमें बहुत easily कर सकते हैं. लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? The first thing, the first step, read and clear the meaning. I repeat, read and clear the meaning. आपने read करना है और clear करना है meaning को. Sir, हर word के meaning को clear करना आपने. मतलब पहले तो हमें उसको read करना है. The first thing, मैंने read किया है यहाँ पे. Had my parents her left me with. Second, try to create a sense. Try to create sense by rearranging them. उनको क्या करना है, rearrange करो और एक sense create करो. मैंने complete sense नहीं किया है, पहले ध्यान रखना. मैंने कहा एक sense create करो पहले कि लगना चाहिए कि हाँ इसको हम पढ़ सकते हैं. तो सर इसका आपने बनाया हुआ, had my parents left me with. खुशी क्या बनाया आपने? My parents had left me with her. तो पहला इसने बनाया, आई रिपीट, माय पेरेंट्स हैड लेफ्ट मी विद हर. सो व्हाट्स योर्स? माय पेरेंट्स हैड लेफ्ट मी विद हर. योर्स? माय पेरेंट्स हैड लेफ्ट मी विद हर. सेम सेम. और अगर मैं बोलू माय पेरेंट्स हैड लेफ्ट हर विद मी, करूं तो भाई मेरे पेरेंट्स थे, उसे मेरे साथ छोड़ेंगे, मुझे उसके साथ नहीं छोड़ेंगे. आप लोगों को जो चीज मैंने बोली आप लोगों ने ग्रैब की. मैंने कहा पहली चीज ट्राई टू क्रिएट अ सेंस. सर सेंस तो बना दिया आप लोगों ने, फिर उसको चेक करो क्या वो कंप्लीट सेंस है. मैंने हमेशा आपको बोला ग्रामर करते हुए, ग्रामर एडिटिंग ऑमिशन जंबल वर्ड्स करते हुए आपको सेंटेंस में ध्यान देना है. मींस इट मस्ट मेक अ कंप्लीट सेंस. सर चेक करके देखो आप ना, माय पेरेंट्स हैड लेफ्ट मी विद हर. सर बिल्कुल ठीक लिख रहा है सर, साउंड बिल्कुल ठीक है. ओ भाई मेरे पेरेंट्स मुझे उसके साथ क्यों छोड़ेंगे, उसे मेरे साथ छोड़ेंगे. सो माय पेरेंट्स हैड लेफ्ट हर विद मी. द राइट वन इज तो पहला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि करना है, खाली सेंस नहीं बनानी है. यू नॉट जस्ट अरेंज द वर्ड, इसीलिए गलती होती है ना. मतलब नाउ यू नीड टू चेक दिस कि यार कोई भी चीज लिख रहे हो तो पहले आप सेंस भी तो देखो, वहां आपके पेरेंट्स हैं. हमें हर चीज को ग्रैब करना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे करने का तरीका, किन फ्लोज को समझना है. आई होप अब ये गलती नहीं होगी. आगे आते हैं नेक्स्ट वन, नंबर टू. तो मेरे ख्याल से क्लियर सबको. जब कहते हैं सेकेंड पे, टू वेक शी मी अप यूज मॉर्निंग इन दी. दोबारा मैं वही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा. पहले मैंने क्या किया सर, सबसे पहले मैंने रीड एंड क्लियर द मीनिंग. सर क्लियर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. टू वेक मैं जानता हूं उठना होता है, ठीक है. शी उसके लिए, मी अप यूज मॉर्निंग इन दी. अब क्या करना है, अब बनानी है सेंस. आपने ना ट्राई टू क्रिएट अ सेंस बाय रीअरेंजिंग. थर्ड पॉइंट लिख दो, पता लगे फिर आप वही कर दो. मेक अ कंप्लीट सेंस, मेक अ कंप्लीट सेंस. लास्ट फाइनल स्टेप है, मैंने इसलिए दी गलती ना दोबारा. चलो अभिता जी
क्या बनाया आपने? She used to wake me up in the morning. She used to used. To है नहीं? नहीं यार. To missing है. है. तेरा. She used to make. She used to make. Me up. Me. Where's me? Me up. In the morning. Perfect. Now it's perfect. I repeat. यहां लिखा गया क्या? यहां आया हमारा. She used to wake me up in the morning. तो सेकेंड दो आपने बिल्कुल सही अरेंज किया और बिल्कुल ठीक भी आया हमारे पास. तो हमारे पास आ गया she used to wake me up in the morning. तो पहले दो तो हो गए. मुश्किल थे शायद. ये दो आप बताओ. तो ठीक है नेक्स्ट टर्न शिवानी की है. अब उसको देखिए. तो हमारे पास साक्षी सॉरी. तो यहां हमारे पास कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं. यहां आता है थर्ड वन. ऑलवेज टू स्कूल मी वेंट विद शी. आई रिपीट माय वर्ड्स. दोबारा समझेंगे. समझने की कोशिश करते नहीं हुआ तो दोबारा कर लेंगे. तो फर्स्ट थिंग ऑलवेज टू स्कूल मी वेंट विद शी. सो सर यहां पे साक्षी. She always went to school with me. वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी. बिल्कुल ठीक. There's nothing wrong in it. So हमारे पास आ गया next one. She always went. She always went to. School. Went to school with me. तो भाई यहाँ पे हमारा पूरा आंसर क्लियर हुआ. She always went to school with me. तो दो पॉइंट तो क्लियर हो गए. सर पहले तीन हो गए क्लियर. रह गया लास्ट. तो आप लोग साथ में नोटबुक लेके लिख रहे होंगे. तैयारी साथ साथ चल रही है ना. ऐसी क्लासेस डेफिनेटली याद रहेंगी. और ज्यादा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना. नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियो को एक्सेस कर पाओ. रेगुलर टीम वर्क या क्लास के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर. आते आते नेक्स्ट वे के ऊपर. वी ऑन टुगेदर बैक आर प्लेट. आई रिपीट. वे हम सबको मीनिंग पता है. वी ऑन टुगेदर बैक आर प्लेट. योर टर्न. वी प्ले टुगेदर ऑन बैक प्लेट. We play together on a our back way. On our back way. On our back way. तो ये क्या सेंस बना रहा है? पहले क्या करते हैं? दोबारा पढ़ते हैं. इसने बोला we play together. We played, not play, played. Played together on our back way. Appropriate नहीं लग रहा मुझे. मतलब साउंड नहीं आ रहा था. तो मुझे साउंड तो सही चाहिए. अच्छा ना मैं क्या होगा? On our back way we played together. On our back way we played together. On our back way. On our back way we played together. बबीता. सेम सर. अब मैंने एक चीज बोली थी. मैंने कहा था कि आपको ना जब आप सेंस बनाते हैं रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करते हो आपको देखना सेंस पूरी बननी चाहिए. इससे पहले वाली सेंस बन रही थी पूरी. हाँ थोड़ा अटपटा लग रहा था लेकिन सेंस बिल्कुल ठीक थी. वो सेंस इसमें बिल्कुल ठीक है. तो यहां पे हमने बोला वी प्ले टुगेदर ऑन आर बैक वे. वी प्ले टुगेदर ऑन आर बैक वे. ठीक था. गलत नहीं था लेकिन हमें क्या होता हमें प्रोफाउंड साउंड नहीं कर रहा. हमें लग रहा था कि यार ये गलत हो सकता है कि ना एक सीक्वेंस नहीं आ रही फ्लो नहीं आ रहा. बिल्कुल ठीक है. कुछ भी गलत नहीं है. अगर आप इसको सीधा उल्टा कर लेते हैं दैट मींस दैट ऑन आवर बैक वे वी प्ले टुगेदर तो भी गलत नहीं था. अगर इसको स्टार्ट करते हैं आप यहां से ऑन आवर बैक वे वी प्ले टुगेदर देन अगेन इट्स एग्जैक्टली राइट.
तो दो के दो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुए, हमने कहा जंबल वर्ड्स कैसे करने हैं, जंबल वर्ड्स को करने का तरीका क्या है, किस तरह करते हैं। अब आ गया सर अगर जंबल वर्ड्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डाले तो सर ये तो क्रीम वाले दे दिए आसान कर दे तो बच्चों भी खुश हो गए, लेकिन अगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जैसे कि नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली आपको मिलेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर करें ताकि बाकी लोग भी देख पाए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो साथ, बाय गाइस।